हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम नए टाइप की प्रॉब्लम सीखेंगे। तो जब भी अपने को मैथमेटिक्स में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो उसमें अपने को उसकी डायमेंशन भी मेनली अपने को क्या चाहिए, अपने को प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझना चाहिए। हमेशा ही मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को दो बार पढ़ना चाहिए। जैसे कि अभी एक नई टाइप की प्रॉब्लम समझेंगे। जैसे जनरली अपने सवाल आते हैं वर्क रिलेटेड, एक आदमी ये काम इतने दिन में कर सकता है, दूसरा आदमी इतने दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, अगर दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, 10 दिन काम करते हैं, कितना बहुत हो जाएगा काम का ही। तो ये वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम है। इस एक मेन फंडा बताऊँगा आज इस वीडियो में। तो अपन बेसिक वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे, बट कमिंग वीडियो में आपको कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम समझाऊंगा। उससे आपको क्या आइडिया हो जाएगा कि जब भी आपको वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा तो यू विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि वो आप चुटकी में कर दोगे। तो इस प्रॉब्लम में क्या कर रहे हैं, ए कैन डू ए वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू ए वर्क इन 20 डेज, इफ दे कैन डू वर्क टूगेदर फॉर 4 डेज, देन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट। तो पहले तो अपने को ये देखना है एक काम हमेशा ही क्या एक काम है, कोई एक काम है वो आदमी 15 दिन में कर सकता है। तो एक दिन में कौन सा काम कितना काम करेगा, वो उस काम का 15वां हिस्सा। और बी है वो एक काम को 20 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा। जैसे आपको 15 रुपये कमाने में आप 15 दिन लगते हैं, तो 1 रुपये कमाने में कितना लगेगा, एक दिन लगेगा। तो ऐसे ही एक काम करने में 15 दिन लगते हैं, तो एक दिन में कितना काम होगा, उसका 15वां भाग होगा। तो इस प्रॉब्लम को करने के लिए हमेशा एक दिन का काम निकाल लेना चाहिए। जितने भी ABCD व्हाटएवर जितने भी आदमी लगे उनके सबके एक दिन का काम निकाल लेना चाहिए सबसे पहले। तो इसने एक दिन में काम कितना किया, 1/15। बी ने एक दिन में काम कितना किया, 1/20। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसने 4 दिनों में एक साथ काम किया। पहले तो एक दिन का दोनों का एक साथ का काम निकाल लेते हैं, अगर दोनों एक दिन साथ लगते हैं कितना, तो ए और बी साथ लगेंगे तो इतना काम तो ये कर देगा, इतना काम एक बटा पंद्रह काम ए कर देगा, 1/20 काम बी कर देगा। तो दोनों को मिलके 7/60 काम कर दिया, टोटल काम का 7/60 काम कर दिया एक दिन के अंदर दोनों ने मिलके। अब वो दोनों मिलके 4 दिन तक काम लगातार किया, तो इसने 4 गुना काम किया, 7/60 × 4 और 7/15। तो अभी वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कितना काम बच गया, तो अभी काम कितना हो गया, 7/15। तो हमेशा ही काम को हम एक के रेफरेंस में लेते हैं, तो काम कितना बार हो गया, 7/15 बार हो गया, तो उसको एक से घटा देते हैं तो वो बचा हुआ काम रह जाता है। 1 − 7/15 = 8/15। इस काम में, इस प्रॉब्लम में अपने क्या सीखा, मेन मतलब याद रखने वाले पॉइंट क्या क्या है। मेन अपने को याद ये रखना है कि जब भी काम वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम आए तो उनको एक दिन का काम फर्स्ट ऑफ ऑल निकाल लेना चाहिए, फिर अपन उस प्रॉब्लम को कैसे ही कर सकते हैं। तो मेन जैसे अपन ट्रेन की प्रॉब्लम की थी तो अपने कुछ फंडे सीखे थे, उसी तरह से इस टाइप के प्रॉब्लम में मेन फंडा क्या है कि सबसे पहले अपने को एक दिन का काम निकाल देना चाहिए। तो अभी अपन नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा कॉम्प्लेक्स वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।